मायावती जी ने बहन जी ने आज तक कोई आवाज़ उठाई, इतने मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, इतना मारपीट हो रही है, आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई ना कुछ बोला हमारे लिए, क्योंकि डूबते जहाज में कोई भी नहीं बैठता। अच्छा, हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जब भी वो हारती हैं बहन जी, वो हार का ठिकरा जो सीधा मियाँ भाई पे ही रखती हैं, तो इसलिए मियाँ भाई ने भी उनसे बॉयकॉट कर लिया है। वोट लेने के बाद हम लोगों को नकार देती है, हमारे लिए कोई काम करा आज तक बसपा ने, कोई काम नहीं करा, हमारे खिलाफ भी बोलती है, गद्दार तक बोल दिया गया हमको। किसी भी बच्चों को देख लो, स्कूल को देख लो, किसी को देख लो, कुछ है काम? जब राहुल गांधी आएंगे जगह जगह घूमेंगे, किस स्कूल में घूमेंगे, साफ सफाई देखेंगे, या इतने नालों में कीड़े घुसते हैं, बच्चों को काटते हैं, डेंगू होता है, उससे मलेरिया होता है, उससे बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल में कोई सुविधा है नहीं। जब राहुल जी आएंगे तो सब चीज़ की सुविधा होगी। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने जैसे शुरुआत में कहा, हालांकि बसपा ने तो लोकसभा चुनाव में भी बहुत टिकट दिए, और पहले जो है बड़ा दलित मुस्लिम गठजोड़ चला करता था, बड़ा दलित मुस्लिम की बातें होती थी, आपको क्यों लगता है कि अब बसपा मुस्लिमों की हितैषी नहीं रही है, मुस्लिमों पर नहीं चल सकती है बसपा? वोट लेने के बाद हम लोगों को नकार देती है, हमारे लिए कोई काम करा आज तक बसपा ने, कोई काम नहीं करा, हमारे खिलाफ भी बोलती है, गद्दार तक बोल दिया गया हमको, तो बसपा तो कुछ कर ही नहीं रही है। मायावती जी ने बहन जी ने आज तक कोई आवाज़ उठाई, इतने मुसलमानों पे जुल्म हो रहे हैं, इतना मारपीट हो रही है, आज तक कोई आवाज़ नहीं उठाई ना कुछ बोला हमारे लिए। ये बताइए, इस बार मुस्लिमों का क्या मिजाज रहने वाला है जो उपचुनाव होने हैं गाजियाबाद पर, क्योंकि बसपा भी पहली बार उपचुनाव लड़ रही है? अभी देखा जाएगा माहौल क्या है, किस तरीके बैठता है, कहाँ पर क्या आ रहा है। काम तो जो है बसपा भी कर रही है और सपा भी कर रही है, दोनों का रिएक्शन भी ठीक आ रहा है। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा लोग रुझान पता चलेगा, अभी किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। दोनों तरफ से अगर मुस्लिम उम्मीदवार आते हैं तो वोट बढ़ जाता है ऐसे में, ये कहा जाता है? हाँ, वोट तो बढ़ जाता है, यही तो ध्यान से बांटना पड़ेगा ना वोट तो। हाँ। और जो देने वाले वोटर हैं उन्हें भी ध्यान देना पड़ेगा कि हमारे लिए कौन ठीक है। हाँ। तो उन्हें वो देना चाहिए इस तरीके से। दोनों पार्टियों को भी समझना चाहिए कि अगर सीट यहाँ से निकालनी है कहीं से, तो या तो समाजवादी निकालेगी या बसपा निकालेगी, दोनों में से एक को तो बैठना पड़ेगा। थोड़ा गठबंधन होता है तो उसमें फायदा होता है। गठबंधन तो फिलहाल यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का है, लास्ट में हो सकता है कि सबका हो जाए एक साथ, अभी तो पिक्चर अभी बाकी है। नहीं, ये बताइएगा कि उपचुनाव में मियाओं का क्या मूड रहने वाला है? मियाओं का मूड तो सही रहेगा, जो बेहतर होगा गाजियाबाद के विकास के लिए, गाजियाबाद के लिए, तो गाजियाबाद के मुस्लिम क्या गाजियाबाद की सारी जनता का रुझान यही रहेगा कि गाजियाबाद को जो बेहतर विकास कर सके उसे वोट देगी। आपके तो बसपा भी चुनाव लड़ रही है उपचुनाव, आमतौर पर बसपा हम दूरियां बना कर रखती थी आम चुनाव से। हाँ, पहले कभी बसपा ने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन इस बार पता क्या मजबूरी है, क्योंकि मजबूरी ये है क्योंकि आपके लोकसभा में भी एक भी सीट नहीं आई, उसे ये लगा कि मेरा जनाधार गिर रहा है, तो जनता ने उन्हें जो है नकार दिया, तो उन्होंने सोचा हो सकता है उपचुनाव में मुझे कुछ थोड़ा सा सपोर्ट मिले, तो अपना प्रत्याशी खड़ा किया उन्होंने, पैसे उपचुनाव लड़ती नहीं है कभी। तो भाईजान क्या बहन जी का जनाधार बचाने जा रहे हैं? अब ये तो देखो, भाईजान का क्या कहना है, मैं फिर आपसे कहा कि गाजियाबाद में जो विकास करेगा और जो बेहतर कैंडिडेट होगा उसके लिए जनता विकास के नाम पर वोट देगी। अब ये जनता तय करेगी, खाली मेरे अकेले के नहीं कह सकता। वो जनता तो तय करेगी, मैं तो बस ये जानने निकला हूँ कि भाईजान क्या चाह रहे हैं। अब भाईजान खाली मैं भाईजान थोड़ी, और भी भाईजान क्या बहन जी का जनाधार बचाने निकल रहे हैं इस बार? बहन जी का जनाधार नहीं, बिल्कुल नहीं बचाएंगे, क्योंकि डूबते जहाज में कोई भी नहीं बैठता। अच्छा, हाँ जी। और दूसरी बात यह है कि जब भी वो हारती हैं बहन जी, वो हार का ठिकरा जो सीधा मियाँ भाई पे ही रखती हैं, तो इसलिए मियाँ भाई ने भी उनसे बॉयकॉट कर लिया है। मियाँ भाई कहाँ जा रहे हैं? मियाँ भाई देखते हैं, हवा के साथ चलेंगे, जो हवा सही चलेगी उसके साथ बैठेंगे। अच्छा। हाँ, अभी पक्का मन किसी ने भी नहीं बनाया। 24 वाली हवा के साथ या उससे अलग? उससे अलग, मतलब बीजेपी से तो नहीं है हम लोग, बीजेपी को तो हम नहीं सपोर्ट करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, 24 वाली हवा जो पीडीए की चली सपा और कांग्रेस गठबंधन की, उसी के साथ है, उसी के साथ रहेंगे, गठबंधन के साथ है जी। मियाँ जी कहाँ जा रहे हैं? बहन जी को बचाने निकल रहे हैं या फिर 24 वाली राह पर चल रहे हैं? बहन जी को तो नहीं बचाएंगे। बहन जी ने यार इतने टिकट दिए 2024 में, फिर भी बहन जी को नहीं बचाएंगे हम तो जी। सच्चाई ये है कि हम समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे जी। कहाँ जा रहे हैं भैया? हवा के साथ। हवा कहाँ चल रही है? हवा तो चारों तरफ ही चल रही है इस टाइम तो, आजकल तो जहाँ देखो हवा ही हवा राहुल गांधी हवा चल रही है इस टाइम तो बस। जिस जगह हवा जाएगी उसी जगह हम सब हवा में जाएंगे। अरे यार बहन जी, यार इतना साथ दिए तुम्हारा है, बहन जी को छोड़ दिया। अरे हवा के साथ चलो ना, जिन हवा चलाई उसकी हवा चलो। बहन जी कब थी?
सन 11 साल पहले थी, अब थोड़ी है बहन जी। क्यों नहीं है बहन जी यार, लोकसभा में इतने टिकट दिए मुस्लिमों को उन्होंने। जो लोकसभा में टिकट दिए बहन जी ने पहले दिया वो, अब तो काम से है, पब्लिक पब्लिक जो सपोर्ट करती काम करती, ये नहीं देखती है कि बहन जी है राहुल गांधी है मोदी जी है, वो ये नहीं देखती, पब्लिक देखती सम्मेलन। अब यार बहन जी दलित मुस्लिम गठबंधन गठजोड़ लेके चले थे, तुम छोड़ के चल दिए ना, बात मुसलमान की ना हिंदुओं की बात हो रही है, तो बात ये होती है काम की, कैसे काम है, कैसे रोजगारी देनी है, कैसे बच्चों को लेके चलना है छोटे से बड़े। अब यहाँ के किसी भी बच्चों को देख लो, स्कूल को देख लो, किसी को देख लो, कुछ है काम? जब राहुल गांधी आएंगे जगह जगह घूमेंगे, किस स्कूल में घूमेंगे, साफ सफाई देखेंगे, यहाँ इतने नालों में कीड़े घुसते हैं, बच्चों को काटते हैं, डेंगू होता है उससे, मलेरिया होता है उससे, बच्चे बीमार होते हैं, अस्पताल में कोई सुविधा है नहीं। जब राहुल जी आएंगे तो सब जगह सुविधा होगी। तो यानी कुल मिलाकर जो मुस्लिम समाज की राय है उपचुनाव को लेकर, उसमें जो मियाओं का मूड है वो फिलहाल उसमें मिली जुली राय है, और इतना ज़रूर तय मानकर चला जा रहा है कि जो प्रत्याशी स्थानीय होगा, जो उनकी समस्याओं को सुनने वाला होगा, जो उन्हें समझने वाला होगा, लेकिन इतना भी ज़रूर है कि जो मुस्लिम की राय है वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती को परेशानी में डाल सकती है, क्योंकि मुस्लिम समाज फिलहाल बसपा की राह पर चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, लीडिंग भारत टीवी, गाजियाबाद।